आज पटना के हज भवन में वक्फ वेलफेयर फॉर्म के लिए जो यहाँ बहुत बड़ी प्रोग्राम की गई थी, उसमें जावेद साहब जो दिल्ली से आए हुए हैं आपके सामने अपना बात रखना चाहते हैं। इनसे पूछेंगे कि इस वेलफेयर फॉर्म का मकसद क्या है। इससे पहले भी सरकारी तंजीमें हैं, कई एक फॉर्म है वो काम कर रही है, मगर इस फॉर्म को बनाने का क्या मकसद है? हाँ जावेद साहब बताएंगे। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, इस फॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस मकासद के लिए इस कारवां को दिल्ली से आगे बढ़ाया है, उसका एक साफ पैगाम है और मकसद है कि औकाफ जो अल्लाह के नाम से की गई प्रॉपर्टी, उसको अलल खैर या अलल औलाद जो भी आप किस्में दें, उसकी तहफ्फुज़ और हिफाजत हर मोमिन मुसलमान की ज़रूरत है। भारत सरकार ने कानून को तकमील में लाया और बनाया, जिसे 2013 अमेंडमेंट एक्ट जल्दी जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल एक्ट है, जिसकी बेदारी के ज़रिए आवाम को जगाना है और उसके फ़ायदे बताने हैं, जिससे कि उसके तहफ़ और हिफाजत के लिए हर मोमिन जिम्मेदारी ले और उससे मुहाफिज हो सकता है। इस फोरम के आगाज़ करने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान का यूनिफॉर्म कोड है, सॉरी यूनिफॉर्म जो हमारे कानून हैं, जो वक्फ एक्ट है, उस एक्ट में जो अलग अलग जो प्रोविज़न्स हैं वो काफ़ी धारदार हैं और हर 10 साल पे सर्वे होता है। सर्वे में प्रॉपर्टी की चिन्हित और रजिस्ट्रेशन होता है। बावजूद इसके ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एफर्ट के कमी से ये काम नहीं हो पा रहा है। हर 10 साल पे ये काम होता है। यहाँ दिल्ली में 23 अक्टूबर 2021 में इसका आगाज़ हुआ और 16 या 17 स्टेट के लोगों ने उसमें शामिल हुए, नेशनल प्रोग्राम था। उसके बाद कानपुर में, उत्तर प्रदेश में इसका प्रोग्राम 7 नवंबर को था। आज पटना में इसका आगाज़ किया गया है, टीम फॉर्म की गई है और बहुत खुशी की बात यह है कि जो वक्फ डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक विभाग, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से इसको तवज्जो दी है और मुझे लगता है कि जो अभी कुछ 20 ज़िलों में जो सर्वे का काम चल रहा है, अगर बेदारी हो गई तो जैसे वैशाली का मैटर है, नालंदा का मैटर है, आपके तकलीफात भी कम होंगे, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। एक बार अगर वक्त रिकॉर्ड में दर्ज हो गया तो उसको कानूनी एक हैसियत और ताकत मिलती है। वक्फ की ज़मीन के बारे में जो बात करना चाहते हैं कि फलाह के लिए आप काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे पहले भी सरकार की तरफ से तंजीमें हैं और भी कई प्राइवेट तंजीमें हैं जो वक्फ पे काम कर रही है, आपको करने के लिए क्या ज़रूरत थी कि आप करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, और ये तंजीमें क्या कर रही है? क्या आपने आज के प्रोग्राम में उन लोगों को बुलाया जो बिहार में वक्फ की संपत्ति के बारे में पूरा डाटा रखते हैं? क्या उनके बारे में जानते हैं? आपको मालूम होगा कि पटना के डाक बंगला चौहे पे वक्फ की लंबी संपत्ति के बारे में बहुत लंबा झगड़ा चल रहा है। आप बताएंगे किस तरह से वर्क करेंगे और आपके वैशाली के जो साथी हैं वक्फ की ज़मीन पर के मामले के लिए जो लड़ रहे हैं उन पर क्रिमिनल केसेस की जा रही है, कैसे इस तरह के मामला को हल कर पाएंगे? इसके लिए कई सूबों में वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत और तहफ्फुज के लिए टीपी एक्ट बना है। टीपी एक्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने जो ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टी होती है उसकी लिस्ट रखती है। कुछ सूबों में इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, जो डेटाबेस इंटीग्रेट किया गया है, मिसाल के तौर पे कि गवर्नमेंट की ज़मीनों की किस्में हैं, जैसे बंजर है, ऊसर है, फॉरेस्ट है, इसी तरह वक्फ भी एक किस्म है। अगर उसकी लिस्टिंग जो गवर्नमेंट के जो स्टेट के अपने सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, तो जैसे आप किसी गवर्नमेंट की ज़मीन को आप रजिस्ट्री करने जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन नहीं होने देता है। टीपी एक्ट उसको ताकत देता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है कि कोई भी, जैसे वैशाली वाला मैटर है, उसको इस जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट, जॉइंट मजिस्ट्रेट जो होता है, वो इम्पावर होता है कि उसको स्टिपुलेट टाइम फ्रेम में वैकेट कराए। अगर आप उस प्रोविज़न से जाएंगे, आप अगर कोई लीगल प्रोविज़न से हैं, कोर्ट में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, टाइम टेकिंग है। दैट्स वाई फोरम की ज़रूरत है। हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आपकी कौन से एग्जीक्यूटिव पावर हैं जो जल्दी काम हो जाएंगे, इसलिए बेदारी की ज़रूरत है। ये कानून के जाब्ते में काम करना है, बहुत बेहतरीन कानून है। कैसे इस्तेमाल होगा, मिसाल तौर पर आप लायर हैं, यू मस्ट नो कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। इसीलिए जो कानून 2013 में जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1995 के बाद, आपको पावरफुल बनाया गया। आपकी अवेयरनेस न होने से आपको
इधर उधर जाना पड़ रहा। आपकी वक्फ की जितनी भी संपत्ति है राज्य पटना में आज उसका पूरा डाटा मौजूद है, तो वो अपने ज़िला में देकर क्यों नहीं उसकी सर्वे करवा पा रहे हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आपने आज प्रोग्राम में सुना है कि 20 जिलों में सर्वे चल रहा है, आपने भी सुना, तो 20 जिलों में सर्वे चल रहा है, तो उस सर्वे में जब आप स्टेक होल्डर यानी आप अच्छे नागरिक, सजग नागरिक, अच्छे मोमिन, आप जब आप काम करेंगे तो आप जानकारी के साथ जाएंगे और कहेंगे दिस इज़ द वक्फ प्रॉपर्टी, दिस इज़ द रिलीजियस प्रॉपर्टी, ये इसका ये वक्फ नंबर, ये खसरा नंबर है। अगर नहीं हुई है कुछ पता है, देन यू कैन एज ए सिटीजन आप कह सकते हैं क्या ज़रूरत है हमको कहने की, हम पर मुकदमा कर देगा, कई एक मुकदमा किए हैं लोगों पर, क्या ज़रूरत है वक्फ के लिए इतना लड़ने का, किसको फुर्सत है ये बताइए। आजकल का लोग यही ना सोचता है? नहीं, ये इसीलिए बेदारी की ज़रूरत है। ये एक अहम, आपकी जो वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक अल्लाह के नाम से दी गई हुई चीज़ है जो अल्लाह के दीन की हिफाजत मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और आपको साबित कदम रखता है, मतलब आपको जमा देता है। तो मैं दीन के मानने वाले लोगों के लिए ये मैसेज है कि अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, उसको खुश और राजी करना। आज ये बताइए, आज का ज़माना ये हो गया कि वक्फ की ज़मीन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वही लोग वक्फ की ज़मीन पर काबिज़ हैं, वही लोग बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, ये बताइए। आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक सिख कम्युनिटी है जो तादाद और आबादी में कम है, उसने अपने प्रॉपर्टी को, अवकाफ को उसने बेहतरीन तरीके से तहफ़ किया। 1942 में उन्हें ऑटोनोमस बॉडी मिली, वो चुनाव कराते हैं, उनकी ज़िले की कमेटी, स्टेट की कमेटी, वो सब उनके कोई भी गवर्नमेंट से नहीं, वो ऑटोनोमस बॉडी है उसकी, दिल्ली में DDA का आपने अगर दफ्तर देखा हो, ITO के पास उनकी ऑफिस है, और वो 5 साला कमेटी होती है ज़िले की, स्टेट की और राष्ट्रीय स्तर की। वो कम्युनिटी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी शमशाद, कोई भी सलमान या भी कोई भी सुखविंदर अगर एक बार गलती कर देगा तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इतना पावरफुल है कि दोबारा नहीं होगा, वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आप दिस इज़ द पावर ऑफ अवेयरनेस, दिस इज़ द पावर ऑफ अमीन्स, लोगों को अवेयर और बेदार करने का है। इसमें आपकी, मेरी, सबकी इक्वल जिम्मेदारी है। आप अवेयरनेस कैंप चलाना चाहते हैं? शुरू है, चल रहा है इंशाल्लाह। यहाँ आप अपनी तारीफ बताएंगे? मैं वक्फ वेलफेयर फोरम का चेयरमैन, दिल्ली में इसकी एक ऑफिस है, लखनऊ, बिहार में, पटना में, नागपुर महाराष्ट्र में, और 17 सूबे में ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। हमने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 70 बीघे 2 महीने में खाली कराया है, यूजिंग एक्ट, नॉट जुडिशियल ट्राई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूज एग्जीक्यूटिव पावर्स, डोंट रन अराउंड द ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स, रिड्यूस योर टाइम, अवेयर, बेदार करिए कि कब्रिस्तान जो कब्जा कर रहे हो मरने के बाद की जगह है, अभी तुम क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या है। चलिए अब हमारे सामने में एडवोकेट शमशाद साहब हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आज के का प्रोग्राम कैसा रहा, इसका क्या मकसद रहा? इसका मकसद है अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में, ठीक है, वक्फ की संपत्ति के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन ये इनिशिएटिव अगर शुरू हुआ है तो सिर्फ फुर्दा नशिस्ता ना रह जाए, ये वी विल वर्क फॉर इट, हमें इस पर काम करना है। अगर काम होता है और कंटिन्यू होता है तब तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये यहीं फुल स्टॉप लग गया तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बहुत अच्छी बात नहीं है। ये स्टॉप नहीं होना चाहिए, काम होता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे राजू वारसी वैशाली में काम कर रहे हैं, और एक बार ये बात आई थी कि गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व हो रही है इसमें, प्रधानमंत्री जन योजना के आधार पर वो स्कूल बनाएगी, कॉमन सर्विस सेंटर बनाएगी, ठीक है। तो राजीव वासी ने एक बात कहा था कि मुसलमानों के लिए पारस का पत्थर है, इसे हम हीरा बना सकते हैं, इसे अभी पता नहीं है हम लोगों को। ये वर्क की ज़मीन जो है अगर इसका हम सही यूटिलाइज़ करें तो अपनी कम्युनिटी के स्तर को, फाइनेंशियली जो वीक लोग हैं उनकी पोजीशन को उठा सकते हैं, क्या नाम, एजुकेशन फैला सकते हैं हम, ठीक है। इसका सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये यहाँ स्टॉप नहीं होना चाहिए। मैं एडवोकेट शमशाद, पटना। ओके।